एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुधि ऑफिशियल जोन। तो थंबनेल से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो कौन सी होने वाली है। तो आज मैं टॉप 10 कमेंट लेने वाली हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है। तो होपफुली ये टॉप 10 कमेंट का रिप्लाई आप में से काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सॉल्व करने वाला है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में ही मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मैं कमेंट यहाँ साइड बाय साइड लगा दूंगी जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए, बट एग्जैक्टली जो टॉप 10 है उनमें से अब सबसे पहला कमेंट मैं यहाँ पर रीड आउट करने वाली हूँ। तो एक स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो क्वेरी आ रही थी कि मैम बीएड का पूरा टोटल खर्चा कितने का है। इनका मतलब ये है, जो कि इनका क्वेश्चन था कि रावत करके है, तो बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर का टोटल खर्चा इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो मैक्सिमम बीएड करने का अगर मैं बोलूँ तो 70,000 to 80,000 आप लोगों का अप्रॉक्स लग जाता है, राइट? और उससे ज़्यादा भी जाता है। एंट्रेंस दे देते हैं तो अप्रॉक्स इतना डायरेक्ट करने का कोई कोई यहाँ पर 1 लाख तक भी चला जाता है। तो होपफुली इसका आपको अंदाज़ा लग गया होगा। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि बिरजलाल कुमार 85, सॉरी अगर नाम गलत ले लिया हो, बट इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि रिधि मैम बीएड सेकंड ईयर ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दे दो ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू मैम। तो मैं आपको बता देती हूँ, पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ आपको ही नहीं मैक्सिमम काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे सर्च कर रहे होंगे। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए पहली बात, और प्लेलिस्ट आपके बीएड सेकंड ईयर मैंने लेटेस्ट भी डाली थी 2023 में। कोशिश करूंगी कि वापस से आप लोग एक शॉर्ट वीडियो में बता सकूं। और प्लेलिस्ट माने A to Z बीएड सेकंड ईयर के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखी है। तीसरा देख लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको स्किप मत करिएगा, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। संजय जी का यहाँ पर है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इनका एक कन्फ्यूजन है कि मैंने स्कूल से MSc तक इंग्लिश मीडियम रहा और बीएड कॉलेज हिंदी में, और लोकल में इंटर्नशिप के लिए कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, और मैंने कॉलेज फाइल्स, असाइनमेंट, स्कूल हिंदी मीडियम इंटर्नशिप फिल करना सब हिंदी में किया है, पर क्या मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म इंग्लिश मीडियम फिल करके इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और इसी के नीचे काफ़ी हद तक इन्होंने काफ़ी अनदर स्टूडेंट के भी रिपीटेशन आए थे कि मेरी भी यही दिक्कत है और सेम क्वेश्चन है, इसका लैंग्वेज में क्या कैसे। तो इसका मैं आपको जवाब डिटेल में देती हूँ। सिंपल सी बात है, इस वाले का जो क्वेश्चन का मेन मोटिव यही था कि इन्होंने अभी तक MSc जो है वो इंग्लिश मीडियम में किया है, हिंदी मीडियम में किया है, तो अब वो बीएड में कौन सी लैंग्वेज में कर सकते हैं, फाइल कौन सी लैंग्वेज पे, ये सारी क्वेरी। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपने अभी तक बैचलर डिग्री तक कोई सा भी मीडियम लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप बीएड हिंदी मीडियम से करना चाहते हो तो आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम आप उसी की बेसिक पे दे सकते हैं। दूसरा कि असाइनमेंट, अगर आप लोग बाय चांस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और हिंदी आप लोग असाइनमेंट हिंदी में बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको फाइल्स जो आप असाइनमेंट बनाते हैं वो आपको हिंदी में बनानी है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश मीडियम से ही आपको प्रिपेयर करनी है। एक दो फाइल ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी आपको अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही फाइल्स और असाइनमेंट को प्रिपेयर करना होता है। वही आपकी सेम इंटर्नशिप फाइल को लेकर जो इनकी यहाँ पे क्वेरी आई थी, इतना काफ़ी लंबा था, आप लोग देख सकते हैं। तो सेम ही है, आप लोग इंटर्नशिप फाइल, आपको हिंदी मीडियम का स्कूल नहीं मिला, इंग्लिश का नहीं मिला, तो आप फाइल उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, एक दो ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है जो कि कनिका जैन ने किया हुआ है। बेसिकली ये भी सेम ही क्वेश्चन जो कि काफ़ी रिपीटेड होता है, इसलिए मैंने इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि मैम मैंने प्रैक्टिकल फाइल हिंदी में बना दी है तो क्या थ्योरी एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकती हूँ। पहली बात, आपने जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था कनिका, तो होपफुली आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी लैंग्वेज ली थी, उसी के बेसिक आइडिया के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल रेडी करनी चाहिए थी। अब अगर आपने इंग्लिश मीडियम का फॉर्म भरा है तो आपको एग्जाम इंग्लिश में ही देना है, अदरवाइज आपने हिंदी में दिया है तो आप हिंदी में दे सकते हैं। बट मैं इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही दूंगी कि जो भी स्टूडेंट अपने एग्जाम फॉर्म, लाइक आपने जो भी मीडियम पहले से सेलेक्ट किया है, उसी लैंग्वेज में ही आपको फाइल बनानी होती है और इसी लैंग्वेज में ही आपको एग्जाम देने होते हैं। क्योंकि आप फाइल्स तो हिंदी में बना लेते हैं, बट जब थ्योरी होती है तो अपनी लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश में कर लेते हैं, या फिर उल्टा जो भी है अपने लैंग्वेज कर लेते हैं। बट कुछ कुछ कॉलेज में इसमें से कोई रिएक्ट नहीं करता, बट कुछ यहाँ पर कॉलेज रिएक्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम में ना पड़े, तो इससे अच्छा है कि आपने जो भी लैंग्वेज या जो भी मीडियम लिया हुआ है हिंदी या इंग्लिश, तो आप उसी को सेम रखा करें, चाहे वो थ्योरी में हो चाहे वो असाइनमेंट में हो, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर,
अनुषा करके उन्होंने पूछा है कि माइग्रेशन के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट ले गए थे अपने। तो माइग्रेशन की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट माइग्रेशन को लेकर कंफ्यूजन है तो प्लेलिस्ट आप लोग जाके देखें, बीएड एग्जाम फॉर्म, बीएड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएड के आप लोगों के मैराथन क्लास, सबके सिंगल सिंगल मैंने बनाई है। आप उन प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपसे जितनी भी यहाँ पर क्वेरी है उन सबका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि उससे मिलता जुलता जितनी भी क्वेरी होती है वो मैंने सारी एक ही वीडियो में बना रखी है। तो माइग्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैंने वीडियो में आप लोगों को डेमो के साथ दिखाया है, तो आप लोग वो वाली वीडियो देख सकते हैं बीएड के एग्जाम फॉर्म वाली प्लेलिस्ट में, अब वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अदरवाइज प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर तन्वी कश्यप का कि नाइस वीडियो, थैंक यू। और नेक्स्ट आता है कि वेयर कैन आई गेट नोट्स, तो नोट्स के लिए दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया, जिस जैसे आप वीडियो देख रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको अपना व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, अदरवाइज स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट करिए, पूरा डिटेल आपको व्हाट्सअप पर मिल जाता है कि आपके नोट्स पेड हैं और क्या क्या चार्जेस हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी है, आपको उतना ही पढ़ के एग्जाम आपका इजीली क्रैक हो जाएगा, इतना मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। तो व्हाट्सएप पे आप लोग टेक्स्ट करिए, नोट्स, असाइनमेंट फाइल की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आपको चाहिए वो सब आपको ऑन टाइम मिल जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट आता है कि यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो माँ सकम्बरी यूनिवर्सिटी जो सहारनपुर की है और एक एमडीयू यूनिवर्सिटी की बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म अभी चल रहे हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म के बाद ही आते हैं, तो आप वेट करिए, उसका ऑफिशियल नोटिस आएगा अपने चैनल पर बता दूंगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग वेट करिए और जैसे ही आएगा उसका अपडेट आप लोग को मिल जाएगा, तब तक आप लोग वेट करके अपना तैयारी करिए। नेक्स्ट आता है विकास कुमार का, काफ़ी हद तक कमेंट है, होपफुली इनका कल ही आया है, कि इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है फॉर्म में भरते टाइम, सही कैसे करते हैं। तो दो ऑप्शन है, पहला कि करेक्शन के लिए आपको टाइम मिलेगा है होपफुली, तब आप लोग कर सकते हैं, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि बाद में आप ये मत बोलिएगा कि आप लोग कॉलेज में जाके करेक्ट करा सकते हैं, उससे बेटर यही रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी जाकर आप लोग अपने फॉर्म को ईजिली सही करा सकते हैं, करेक्शन टाइम तब भी मिलता है। तो यही ऑप्शन है, जो भी स्टूडेंट का जो भी एग्जाम फॉर्म में जो करेक्शन करनी है तो थोड़ा वेट करिए, अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी जाके एक ही बार में अपने एग्जाम फॉर्म में जो भी करेक्शन है वो कर लें, क्योंकि एक बात बता दूं अगर एग्जाम फॉर्म में करेक्शन नहीं करें और आप में काफ़ी स्टूडेंट स्किप आउट कर देंगे तो एक प्रॉब्लम होगी, एग्जाम टाइम में कोई कोई स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आते हुए भी एग्जाम नहीं दिया जाता क्योंकि उनके एग्जाम फॉर्म में मिस्टेक होती है, तो कोशिश कीजिएगा कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसे ऑन टाइम सही करा लें। क्वेश्चन है कि आप लोग एग्जाम फॉर्म भरते हुए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, विशाल का है कि मैम ग्रेजुएशन की डिग्री की भी नीड होगी या ऑनलाइन मार्कशीट की, फॉर्म भरते हुए सिर्फ आपको मार्कशीट की जरूरत होती है डिग्री की नहीं, और मार्कशीट की इसलिए क्योंकि फॉर्म में आप लोग का बेसिकली आप लोग का ईयर पूछते हैं, परसेंटेज पूछा जाता है, तो उसके लिए मार्कशीट की नीड होगी, डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे अजय वर्मा का कि असाइनमेंट वगैरह की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी या फिर कौन कौन सी कितनी सारी फाइल बनानी है नॉल, तो मैंने आपको पहले भी बताया था बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फाइल्स अलग अलग बनती है, फर्स्ट ईयर में अप्रॉक्स 7 होती है और 7 के टोटल 7 होती है लाइक लेसन प्लान ये सब मिला के, और डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगी डिटेल में समझाऊंगी कौन सी फाइल कैसी कहाँ मिलेगी और कितनी कितनी फाइल्स होती हैं, और सेकंड ईयर की बता दूं तो अप्रॉक्स 12-14 हो जाता है विद लेसन प्लान। असाइनमेंट फाइल की पीडीएफ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे, डिटेल आपको मिल जाएगी कहाँ कैसे आपको मिलना है फाइल, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कुछ पीडीएफ है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर चाहे कुछ फाइल्स की, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट और लास्ट देख सकते हैं कि हाँ एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आया था जो कि विमलेश का है, जो कि उन्होंने पूछा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करना है, जैसे कि इन्होंने इस बात पे पूछा है कि पीपीटी कैसे बनानी है, उसमें सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली बात है दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नाम का एक ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड करके अपने पीपीटी को ईजिली बना सकते हैं, तो भी काफ़ी स्टूडेंट को ये रहता है कैसे बनाएं, तो मैंने एक सिंगल वीडियो डाली है, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पीपीटी पे या फिर प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट सारी देख लीजिए आपको सारी मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, और सॉफ्टवेयर से लेकर रिलेटेड सारी की सारी किस तरीके से आप खुद से पीपीटी बना सकते हैं, बाकी आप लोग बाहर साइबर कैफे से बनवाइए या फिर आप हमें भी टेक्स्ट कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे ला
लास्ट में एक ले लेती हूँ, राइजिंग अंजू नाम का है, सॉरी अंजू नाम की इन्होंने पूछा हुआ है कि मैंने तो माइग्रेशन बीएड फर्स्ट ईयर में सबमिट कर दिया था तो क्या अब भी जरूरत है। तो मैं बता देती हूँ, जिन भी स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में अगर अपना माइग्रेशन सबमिट कर दिया है तो उन्हें कुछ भी अब सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों के मार्कशीट ईजिली आप लोगों को मिल जाएगी। पर जो भी स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर तक आ गए, उन्होंने अभी तक अपना माइग्रेशन सबमिट नहीं किया है तो प्लीज़ अपना करिए, विदाउट माइग्रेशन आप लोगों की मार्कशीट नहीं आएगी, रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। अब इन द सेंस ऑनलाइन तो आ जाएगा बट आपके घर नहीं आ पाएगी मार्कशीट। तो माइग्रेशन सबमिट नहीं किया है तो कर दीजिए, जिन्होंने कर दिया है वो टेंशन फ्री होके बैठे रहिए, आपको अब कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अच्छे से एग्जाम दीजिए और रिजल्ट का वेट करिए। एंड करने से पहले एक बहुत अच्छा कमेंट मुझे अभी एक मिला था जिसका स्क्रीनशॉट लिया था, तो वो है महादेव मन्नू और इनका आया है थैंक यू। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी थैंक यू सो मच, ये सब आपके सपोर्ट पे ही हुआ है जो ये वीडियो आप लोग देखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो या फिर आपकी जो प्रॉब्लम हो वो सॉर्ट आउट कर पाऊँ। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है थैंक यू मैम, आपके सभी वीडियो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, थैंक यू सो मच। तो इसके लिए नो नीड, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, और ऑब्वियसली बस लाइक करें जिससे हमें सपोर्ट मिल सके कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है। और इन्होंने आगे भी लिखा है, जैसे आपने बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, वो सेकेंड ईयर की भी सेम ऐसी वीडियो बना दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन ऐड करते हैं और वही सब आपके रिपीट होते हैं, लाइक इस टाइप का उन्होंने कुछ बोला है। तो ये बात सच है कि प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं उतने को ही कवर कर लें, ज़्यादा पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होगी। नेक्स्ट टॉप 10 वीडियो वो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, तो आप कमेंट कीजिए अगर इसमें से लगता है कि हाँ मैम हमारे इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना है, तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके सपोर्ट करिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।